everyone this is Nishi Khan and you are watching Nishi's Notions podcast today I have another guest with me um, I would like to tell you guys that he is the co-owner of Houston Hurricane uh, one of the um, cricket um, team in minor league which was started in 2020 and uh, now Mr. Mangesh is with me I welcome him Hi, he hello. Thank you, thank you so much for inviting Welcome me. Welcome to my uh, podcast, Nishi's Notions. Thank you, my pleasure. Yes, and I'm really, um, I'm really um, obliged, and uh, I'm like so happy to have you all the way from USA. Thank you, thank you so much for having me. Yes. Um. So, batati chalu background, inka kuch educational background. Dasa hai he has done PhD in chemical engineering, and wow, what a tremendous! I mean, you. Towards the cricket. So, how it happened? Uh, it happened because of uh, Mr. Tanvir Ahmed who started a project called Prairie View Cricket Complex back in Houston right. um, in 2018, late mm -hmm. 2018, early 2019. So, that time actually I came to Houston uh, for a job, um, job related thing. And then suddenly... Um, नी be, be part, part so, शुरू हुई थी क्रिकेट का शौक तो हमेशा से था hmm. क्रिकेटर बनना था लेकिन एजुकेशन की वजह से नहीं Cricket कर पाया yes, exactly. yes. right. yeah, um, जब क्रिकेट खेलने की उम्र थी तब पढ़ाई करने लगी और अभी जब पढ़ाई की उम्र खत्म हो गई उसके बाद क्रिकेट खेलने की भी उम्र काफी खत्म हो गई अभी अभी लेकिन अभी क्रिकेट <laughs> तो खिला रहे। मैं इसे <laughs> करूंगी पढ़ाई की उम्र तो कभी खत्म नहीं होती वो सही बात है लेकिन यस क्रिकेट शौकिया तो आप खेल सकते हैं चाहे yes. आप सीनियर हो गए हैं कुछ ऐसे लेकिन आपने सोचा कि क्रिकेट में अगर शौक पूरा करना है वाई नॉट टू बिकम द को ओनर फॉर वन ऑफ द टीम इन माइनर लीग तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सो फार वेरी गुड एक्चुअली माइनर लीग का जो पूरा फाउंडेशनल uh, स्ट्रक्चर है वो बेसिकली एक पाथवे टूर्नामेंट की तरह होता है mm -hmm. जिसमें काफ़ी सारे लोकल लोग खेलते हैं uh, साथ ही साथ में कुछ हम लोग इंटरनेशनल प्लेयर भी लेके आते हैं ताकि एक अच्छा मिक्स बने एक्सपीरियंस uh, प्लेयर्स और लोकल प्लेयर्स का right. और वो सारे उस तरीके से बिकॉज अभी भी यू एस कहीं भी आप ले लो नॉर्थ अमेरिका में एक्चुअली क्रिकेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा uh, काफी ज्यादा अभी भी, भी आ, काम, बाकी काम बाकी है बाकी मेजर स्पोर्ट लेकर आना जस्ट लाइक बेसबॉल है जस्ट लाइक आइस हॉकी है अदर है बास्केटबॉल है सो so yes. उस तरह से अगर क्रिकेट को आप एज अ मेजर स्पोर्ट लेकर आना चाहिए yes. so, फिलहाल um, हम टोरंटो में बैठे हुए हैं यहाँ पे फिर भी क्रिकेट अच्छी खासी चलती है सेम इन यूस्टन एंड शिकागो एंड सम ऑफ द बिग सिटीज बट उसके अलावा क्रिकेट इतनी डेवलप नहीं है इस, इस कंट्रीज में बिकॉज कॉलेजेस uh, में नहीं है स्कूल्स में नहीं है सो so, हमें काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर हमें क्रिकेट के लिए एक कुछ करना होगा इस कंट्रीज़ में तो जब हमने शुरू किया था तो हमारा पूरा फोकस इस तरीके इस, तर, इस चीज़ पे था कि किस तरीके से इसको पाथवे बनाया जाए तो मेजरली क्रिकेट और माइनरली क्रिकेट और हम लोग ऐसे सारे जुड़ के एक वो पाथवे बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेन पार्ट है जिसमें स्टेडियम बिल्डिंग होता है ग्राउंड्स uh, होते हैं कोचिंग एकेडमीज़ वो सारी चीज़ें आती है yeah. बच्चों के टूर्नामेंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें आती है साथ ही साथ में माइनर लीग विल बी अ पाथवे टूर्नामेंट विच विल बी अ सेमाई प्रो टूर्नामेंट जो अभी चल रही है और हमारी टीम उसमें है उसमें से एक है

कनाडा को करें या फिर यूएसए में जो क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है उनको आपस में कनेक्शन करवाएं सो हाउ डू यू थिंक लाइक दैट सो यूएसए और कनाडा की जो क्रिकेट है वो काफ़ी पुरानी है right. हालांकि सबसे पहला जो इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच नहीं हुआ है hmm. वो यू एंड कैनेडा के बीच हुआ है बैक इन सेवनटीन सो इसकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है um, अभी फिलहाल बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स वॉट एवर हैपन इन लास्ट थ्री हंड्रेड ईयर्स वी एक्चुअली फॉर गॉट अबाउट क्रिकेट बट अभी धीरे धीरे बिकॉज ऑफ हमारे जैसे लोग जो एक्सपैट है वो जहाँ यहाँ पे आ रहे हैं उनके वजह से वापस क्रिकेट जिंदा हो रही है तो अभी अगर उनको कोलाबरेट करना है तो सबसे मेजर एडवांटेज जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और कोचिंग वगैरह को लेके क्योंकि ये दोनों कंट्रीज बहुत बड़ी है और क्रिकेट एक पॉकेट्स में खेला जाता है तो जितने ज़्यादा कोलाब्रेशन बढ़ेगी जितने ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ खेलेंगे हालांकि सारे कनेडियन प्लेयर्स यूएस में आके हमेशा खेलते सारे यूएस के प्लेयर कैनेडा में आके खेलते हैं रिसेंटली एक्चुअली अभी हमारी थोड़ी बातचीत भी चल रही है क्रिकेट कैनेडा को इन्वाइट करने के लिए

बट ही सो एक्चुअली कैनेडा में ज्यादा है कैनेडा mm -hmm. में ऐसे भी कुछ कोचेस है जो सी पी एल लेवल पे कोचिंग करते हैं जैसे एक सबसे बड़ा नाम है ट्रेवर पेनी ही इज एक्चुअली फ्रॉम कैनेडा देन कोच पुबडू ही इज ऑल्सो फ्रॉम कैनेडा सो so कनाडा में एक्चुअली ज़्यादा अच्छे कोचेस हैं कंपेयर टू यू एस में लास्ट दो साल में जब हम लोगों ने काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल रिटायर्ड प्लेयर्स और करंट प्लेयर्स जब मूव किए उनमें से हम लो काफी लोग काफ़ी लोगों को अभी लेवल टू लेवल थ्री तक लेके जा रहे हैं वो लोग एक्चुअली नेक्स्ट जनरेशन को रेडी कर रहे हैं एक बड़ा नाम है मोहम्मद आसिफ जो पाकिस्तान के लेजेंड है वो अभी हमारे साथ यूस्टन हरिकिंद में भी जुड़े हुए हैं तो उनका बेसिकली हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं इन द सेंस कि वो हमारे प्लेयर भी है बट एट द सेम टाइम ही इज मेंटरिंग ऑल ओवर यंग किड्स वी हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ यंग किड्स हु आर विलिंग टू बिकम लाइक हिम सो हाउ वुड यू कंपेयर क्रिकेट विद मेजर हाउे दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स सो जी टी ट्वेंटी अपनी जगह एक अलग टूर्नामेंट था तीन साल से चल रहा है एक सिटी में हो रहा है Uh, जो मेजर लीग को लेके गोल्स है वो थोड़े से अलग है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा आई uh, की टीम्स भी इन्वॉल्व है जो बहुत बड़े ब्रांड्स है पूरे वर्ल्ड में सो hmm. so, उस वजह से ये दोनों चीज़ों में जो लेवल ऑफ कमिटमेंट और लेवल ऑफ uh, नहीं है नहीं है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो मेजर लीग में काफ़ी ज़्यादा है hmm. uh,

obviously cricket will become a big 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 sports so in a this a country so get ground level yes. focus kena achieve education level pay or yes. elementary high school level that's that's a good idea and uh, all the best to you sir thank you and thank you so much thanks thank for, for uh, coming in my podcast and thank you. Um, thank you so much sir thank you thank you